इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की चर्चा दुनिया भर में है। विश्व के कई राजनेताओं और सेलिब्रिटीज ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इसमें फुटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी दुनिया के मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और वे फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने वायरल वीडियो को साझा किया। एक यूजर ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिलिस्तीन का झंडा उठाकर उसका समर्थन कर रहे हैं। इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी वीडियो में रोनाल्डो के होने का दावा शेयर किया है। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए दी ललिन टॉप ने इसकी पड़ताल की और हमारी पड़ताल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फिलिस्तीन के समर्थन करने का दावा भ्रामक निकला। वीडियो में पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो नहीं है, तो फिर हैं कौन? अब वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर फुटबॉल प्लेयर रेजेस फिलिस्तीन फ्लैग ये कीवर्ड सर्च किया। हमें YouTube पर दोहा ऑफिशियल के चैनल पर दिसंबर 2022 में अपलोड किया हुआ एक वीडियो मिला। इसमें वायरल वीडियो का वो हिस्सा मौजूद है। इसके साथ ही दी गई जानकारी के मुताबिक मोरक्को के एक खिलाड़ी ने फुटबॉल मैच में जीत दर्ज करने के बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक ये मैच मोरक्को और कनाडा के बीच कतर के अल थुमामा स्टेडियम में खेला गया था। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आ रहे खिलाड़ी मोरक्को के हैं। इसकी जानकारी की मदद से हमने एक बार फिर से YouTube पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। हमें मिडिल ईस्ट आई के YouTube चैनल पर दिसंबर 2022 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इसमें बताया गया कि हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिख रहे खिलाड़ी का नाम जावेद अल यमी है। मौका था कतर में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप का। इस बात की तस्दीक न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर 8 दिसंबर को छपी रिपोर्ट से भी होती है। कुछ खोजबीन करने पर मालूम पड़ता है कि फीफा विश्व कप 2022 में मोरक्को की टीम ने स्पेन पर जीत हासिल करने के बाद वहां के खिलाड़ियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मोरक्को के खिलाड़ियों की इसके पीछे मंशा थी कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा जाए। तो कुल जमा बात यह कि हमारी पड़ताल में ये तो स्पष्ट होता है कि वायरल वीडियो में फुटबॉलर रोनाल्डो है ही नहीं, असल में मोरक्को के खिलाड़ी जावेद अल यमीक फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं, जिसका वीडियो अब भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इसी तरह से वायरल और भ्रामक दावों की सच्चाई जानने के लिए आप पड़ताल देखते रहिए, जो मेरे साथी शुभम लगातार कवर करते रहते हैं। मेरा नाम सोनल है, ललन टॉप देखिए। शुक्रिया।